इस वीडियो में हम आपको नावेलजर रिएक्शन और इसकी मैकेनिज्म बताएंगे। इसके पहले हमने आपको कैनिजारो, पर्किन, एल्डोल कंडेंसेशन और बहुत से रिएक्शन अपलोड किए हैं, आप उन्हें भी देख लें। इस वीडियो में हम नावेलजर रिएक्शन पढ़ेंगे। देखिए क्या होता है नावेलजर रिएक्शन, द कंडेंसेशन ऑफ एल्डिहाइड आर कीटोन। मतलब कि हम एल्डिहाइड या कीटोन का कंडेंसेशन करवाते हैं। कंडेंसेशन का मतलब ये होता है कि हम दो एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल लें या दो कीटोन का मॉलिक्यूल लें, जब हम उनको आपस में रिएक्ट कराते हैं तब हमको स्मॉल अमाउंट में, जैसे एल्कोहल, स्मॉल मॉलिक्यूल जैसे एल्कोहल या वाटर या NH3, ये सब बाहर निकलते हैं। जब दो एल्डिहाइड या कीटोन मिलते हैं तब स्मॉल मॉलिक्यूल जैसे एल्कोहल, एल्डिहाइड, एल्कोहल, अमोनिया, HCl या वाटर बाहर होते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन में। द कंडेंसेशन ऑफ एल्डिहाइड आर कीटोन नॉट कंटेनिंग एनी अल्फा हाइड्रोजन। नावेलजर रिएक्शन में हम ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। विथ कंपाउंड हैविंग एक्टिव मेथिलीन ग्रुप, और उस एल्डिहाइड या कीटोन को हम ऐसे कंपाउंड के साथ रिएक्ट कराते हैं जिसके पास एक्टिव मेथिलीन ग्रुप होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया और इट्स डेरिवेटिव, माने यह अभिक्रिया बेस में कराई जाती है, और बेस में हम अमोनिया या इसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मतलब जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एमाइंस लेते हैं, क्योंकि एमाइंस भी एक क्या है, बेस है। टू फार्म अनसेचुरेटेड कंपाउंड, तब हमको अनसेचुरेटेड कंपाउंड मिलता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज नावेलजर रिएक्शन। चलिए देखिए हम आपको इसका मैकेनिज्म बताते हैं। देखिए हम बेंजल डिहाइड ले रहे हैं, C6 H5C OH, यही ना होता है हमारा बेंजल डिहाइड C6OH, SCHO या बेंजाइल बेंजीन, इसी को हम बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड कहते हैं। इसको हम ऐसे कंपाउंड के साथ ट्रीट करते हैं जिसके पास एक्टिव मेथिलीन ग्रुप हो। तो देखिए हम मैलोनिक एसिड लेते हैं, इसके पास जो होता है एक्टिव मेथिलीन ग्रुप होता है, यह आपका है एक मैलोनिक एसिड, मैलोनिक एसिड, यह आपका मैलोनिक एसिड है। देखिए इसके पास दो एक्टिव हाइड्रोजन होते हैं, दो एक्टिव हाइड्रोजन होते हैं, यह आपका मेथिलीन ग्रुप है, इसी को एक्टिव मेथिलीन ग्रुप कहते हैं। देखिए हमने आपको बताया कि ऐसे कंपाउंड के साथ ट्रीट करते हैं जिसके पास एक्टिव मेथिलीन ग्रुप हो। देखिए मैलोनिक एसिड के पास एक्टिव मेथिलीन ग्रुप होता है CH2, मेथिलीन ग्रुप होता है, क्योंकि यहाँ पर दो दो ग्रुप, देखिए यह दोनों ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हैं, यानी माइनस आई वाले हैं, यह इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं तब यह जो है अपना यच इजिली दे देता है। अब यह यच और यह ओ एच, यह यच और ओ एच H2O के रूप में बाहर चले जाएंगे। हमने बताया कि जब एल्डिहाइड या कीटोन कंडेंस होते हैं तो स्मॉल मॉलिक्यूल जैसे वाटर, अमोनिया, एल्कोहल, स्मॉल मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं, और यह अभिक्रिया बेस NH3 की उपस्थिति में कराई जाती है। देखिए आप C6H5 पहले लिख लीजिए, C6H5, और यह वाला यच हम यहाँ लिख दें, और यह डबल बॉन्ड को यहाँ पर, यच तो बाहर चला गया, अब यह सी जाकर यहाँ पर जुड़ जाएगा, और बाकी आप जो कहते हैं लिख लीजिए, लिख लीजिए। अब यहाँ से इसका हम जो है कि फिर ट्रीट करते हैं, यहाँ से CO2 गैस निकाल देते हैं, CO2 माइनस CO2 निकाल देते हैं। कैसे निकला हम आपको इसकी मैकेनिज्म बताएंगे, और हमको अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड जो है मिल जाता है C6H5CH, यहाँ तक डबल बॉन्ड CH, यह एच कहाँ से आया हम आपको मैकेनिज्म बताएंगे, और फिर COH, यह हमारा सिनेमिक एसिड है, इसी को हम अनसेचुरेटेड एसिड कहते हैं, क्योंकि अनसेचुरेटेड है, इसमें डबल बॉन्ड है, इस और एसिड का ग्रुप लगा हुआ, तो यह अनसेचुरेटेड एसिड है।
इसी को नाम देते हैं सिनेमिक, सिनेमिक एसिड, सिनेमिक एसिड। चलिए इसकी मैकेनिज्म बताते हैं हम आपको। देखिए स्टेप फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ कार्बेन आयन, आप या इसी को न्यूक्लियो फाइल कह सकते हैं, न्यूक्लियो फाइल, क्योंकि कार्बेन आयन जो होता है न्यूक्लियो फाइल होता है। तो देखिए हमने अभिक्रिया बेस की उपस्थिति में करवाई है, तो आप NH3 ले रहे हैं, इसका कोई डेरिवेटिव, तो हम इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं सेकेंडरी एमाइन। आप यहाँ पर सेकेंडरी एमाइन भी लिख सकते हैं, तो यह NH, यह अमोनिया या इसका कोई डेरिवेटिव को ले लेते हैं, और मैलोनिक एसिड या H2C2 ग्रुप इसके साथ लगे हुए हैं, कार्बाइल दोनों जोड़ दीजिए, फिर देखिए क्या होता है। यहाँ से इसके पास देखिए लोन पेयर है, इसके बीच कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बांड है, तो यह बांड इस तरह शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन यह इस चला जाएगा इसके पास और एक बचेगा, तो इसको लिखिए, क्योंकि दो हाइड्रोजन तो एक चला गया और यह कार्बन के ऊपर बांड आ गया, यानी कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, और बाकी आप सेम लिख लीजिए, सी डबल बांड ओ एच। देखिए अब एक बार और सुन लीजिए, यहाँ पर देखिए कार्बन और CH2 है, तो यहाँ पर दो एच हैं, तो एक एच को या लोन पेयर इसके पास है, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी है, और यह एक कार्बन इलेक्ट्रॉन यह बांड अपने तरफ शिफ्ट कर लेगा, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और यह एच प्लस के रूप में निकलेगा, यह नाइट्रोजन है लोन पेयर है, इसको पकड़ लेगा और कार्बन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लिया, इस तरह कार्बन पर निगेटिव चार्ज आ गया, तो माने यह यदि कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाए तो हम उसको कार्बे एनायन कहते हैं, कार्बन एनायन, कार्बो एनायन जो होता है न्यूक्लियो फाइल जैसा होता है, और हमने सेकेंडरी एमाइन लिया है, NH था तो एक NH उसका एच ले लिया, तो इसके पास दो एच हो गए और नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज, फिर इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके पास कमी हो गई। अब स्टेप नंबर सेकेंड, देखिए अब यह कार्बन आयन जो है बेंजल डिहाइड पर अटैक करेगा, तो आप बेंजल डिहाइड लिख लीजिए C6H5C डबल बॉन्ड O H, यह आपका बेंजल डिहाइड है और इस पर यह जो है कार्बन आयन CH, इसका बेयर न्यूक्लियो फाइल है, अब यह अटैक करेगा बेंजल डिहाइड पर, देखिए ये इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, अब न्यूक्लियो फाइल वहीं अटैक करता है जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो, तो देखिए यहाँ पर कार्बन पर इलेक्ट्रॉन कमी है, यह बांड जो ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज और कार्बन पर पॉजिटिव आ जाएगा, अब न्यूक्लियो फाइल अटैक कर देगा यहाँ पर और इसके साथ बांड बना लेगा, तो देखिए C6H5 कार्बन और इसके पास निगेटिव चार्ज, क्योंकि यह पाई बांड जो है ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो गया, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इसके ऊपर निगेटिव, और यह एच है तो आप इसको यहाँ एच लिख दें, आपको कोई दिक्कत। अब इसने अटैक किया इस कार्बन के साथ, तो इस कार्बन के साथ बांड बना लेगा CH को CH और बाकी ज्यों कहते हो। अब स्टेप थर्ड में प्रोटोनेशन, देखिए इसका प्रोटोनेशन करवाइए, पहले लिख लीजिए C6H5CH ऑक्सीजन, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज, फिर CH और इसके साथ दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं, इसको लिख लीजिए दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप, प्रोटोनेशन मतलब एच प्लस से रिएक्शन करवाइए, अब यह एच प्लस जाकर इसके साथ जुड़ जाएगा, यहाँ OH हो जाएगा, लिख लीजिए इसको C6H5CH है तो CH यहाँ पर ऑक्सीजन है और यह जाकर जुड़ जाएगा, तो यह OH हो जाएगा, और CH है तो CH इसके साथ दो ग्रुप लगे हुए हैं, दोनों ग्रुप को जोड़ दीजिए। अब स्टेप नंबर फोर्थ डिहाइड्रेशन, देखिए हम आपको हर स्टेप बता रहे हैं, तो हमको प्रोटोनेशन करवाना होता तो हम यहीं पर एच प्लस लिख कर इसके साथ रिएक्ट करा देते और यह प्रोडक्ट यह वाला हमको मिल जाता, लेकिन हम आपको हर स्टेप बता रहे हैं, तो अब डिहाइड्रेशन करेंगे, तो आप पहले यह लिख लीजिए C6H5OH है तो यहाँ पर OH लिखिए, और CH है तो H लिखिए, यहाँ पर देखिए एक H है, एक H को हम यहाँ ऊपर लिख दें तो कोई दिक्कत है आपको नहीं,
और इसके साथ दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो इनको जोड़ दीजिए। और देखिए यहाँ से जो है H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है, इसको बाहर निकाल दीजिए। डिहाइड्रेशन मतलब H2O का बाहर निकलना। C6H5 CH है तो H लिखिए। यहाँ पर जब यह H बाहर निकलेगा तो यह बांड यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ डबल बांड आ जाएगा। और इसके साथ दो ग्रुप यहाँ पर H हट जाएगा क्योंकि H तो बाहर चला गया। अब यहाँ पर दो ग्रुप लगे हुए हैं तो दो ग्रुप लगा दीजिए। अब स्टेप नंबर फोर्थ, डी कार्बाक्सिलेशन। देखिए हम आपको स्टेप नंबर फोर इसी में दिखा देते हैं। डी कार्बाक्सिलेशन, डी कार्बाक्सिलेशन करवा देंगे माने जो यह कार्बाक्सिलिक ग्रुप है इसको बाहर निकाल देंगे, यानी इसको ब्रेक कर देंगे। तो देखिए यहाँ से जो है सी या सी सी और दोनों ऑक्सीजन बाहर निकाल दीजिए, तो -CO2 के सी और डबल ऑक्सीजन है यहाँ पर, इसको आप बाहर निकाल दीजिए। तब देखिए हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा। इसके बाद जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा आप उसको लिखिए C6H5CH और देखिए हमने HCOO निकाल दिया लेकिन H बचा है, तो आप H को यहाँ पर लिख लीजिए और कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो इसको यहाँ पर लिख लीजिए। देखिए हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिल गया, इसी को हम सिनेमिक एसिड कहते हैं, सिनेमिक एसिड, सिनेमिक एसिड। देखिए हमारा प्रोडक्ट अनसेचुरेटेड कंपाउंड मिल गया, यहाँ पर डबल बांड भी आ गया। सो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।